वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड विद ऋतु चौहान मल्होत्रा। सो दोस्तों, हर बार मैं आपको किसी ना किसी मंदिर के दर्शन कराने ले जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको किसी मंदिर के दर्शन कराने नहीं ले जा रही मैं इस बार आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के दर्शन कराने ले जा रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आज है मेरा शूट, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ शेयर करूं, दिखाऊं कि शूटिंग का प्रोसेस कैसे होता है, जब मैं शूटिंग पे जाती हूं तो क्या क्या सामान कैरी करती हूं, कैसे शूटिंग शुरू होती है। सो मेरा कॉल टाइम है 4 बजे का और अभी बजे हैं, घड़ी तो मेरे हाथ में ही है, 3:15 हुआ है। सो मैं निकलने वाली हूँ बस थोड़ी देर में, कोई 40 मिनट्स में मैं निकलूंगी। शूटिंग लोकेशन बिल्कुल मेरे घर के पास ही है, तो मुझे कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, कोई 15 मिनट दूर है शूट यहाँ से। तो चलिए, आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको बताती हूँ कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसी होती है, एक एक्टर का रूटीन कैसा होता है जब वो शूट पे जाता है, तो क्या क्या चीजें कैरी करता है, कैसे वो शूट की प्रिपरेशन करता है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगी। चलिए, तो इसी के साथ आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक प्रोफेशनल एक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका मेकअप किट। उसके बाद साथ में कैरी करा हुआ है मैंने ये बैग, इस पिटारे में बहुत कुछ है, ये छोटे छोटे जो पाउचेस हैं इसमें भी मेकअप का ही सामान भरा हुआ है, मेरा ये परफ्यूम जो मैं यूज़ करती हूँ लॉक्सिटिन का डेली यूज़ में, और साथ में ये लॉक्सिटिन का ही मेरा मॉइस्चराइज़र है जो मैं यूज़ करती हूँ, साथ लेकर जाती हूँ हैंड पे लगाने के लिए। ये मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं, साथ में इस नीचे जो देख रहे हैं आप, ये सब खाने पीने का चुटर पुटर हेल्दी वाला स्टफ़ है, जैसे चना हो गया, रागी चिप्स हो गए, ये छोटी मोटी चीज़ें, डाइट वाली चॉकलेट है। ये इतना सारा सामान देखकर आप डर मत जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें शूट पर भी अवेलेबल होती हैं। मैं अपने सामान के साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ, इसलिए मैं ये सारा स्टफ कैरी करती हूँ। भाई, निकलने का टाइम आ चुका है, मैंने अपना चश्मा वश्मा गॉगल्स वॉगल्स पहन लिए हैं और मैं निकल रही हूँ, अपना बैग उठा लूँ, ये हैवी सा बैग, साथ में मेरी पानी की बॉटल। चलिए, और ये है मेरी प्यारी धन्नो जो हमेशा मेरे साथ होती है, मेरी छोटी सी कार। फ्रेंड्स, फाइनली आई लेफ्ट फॉर शूटिंग। जनरली शूटिंग की शिफ्ट्स होती हैं सुबह 7 बजे की, 9 बजे की, 2 बजे की और शाम के 7 बजे की, तो आज की जो मेरी शिफ्ट है वो सुबह के 9 बजे की है। सो दोस्तों, शूटिंग की शिफ्ट होती है कोई 12 घंटे की और आज की जो शिफ्ट है वो 9 बजे वाली है, और मेरा कॉल टाइम लेट था क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट मॉर्निंग के सीन्स में नहीं थी, इवनिंग में थी। सो टर्न राइट ऑनटू आरे रोड। मैं बस सेट पे पहुंचने वाली। ये लीजिए दोस्तों, तो मैं पहुंच गई हूं अपने फाइनल डेस्टिनेशन फ्यूचर स्टूडियो, जहां पर मेरा आज शूट होने वाला है। अंदर घुसते ही ये सजावट, ये लाइट्स आप देख रहे हैं, ये सब है गणपति पप्पा की वजह से। गणपति चल रहे हैं और आज है गणपति पप्पा का नवा दिन, और हर साल फ्यूचर स्टूडियो में गणपति पप्पा को इतनी ही सजावट के साथ रखा जाता है 10 दिन तक। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि शूटिंग की शुरुआत भी गणपति रोल से ही की जाती है और पैकअप होता है साईनाथ महाराज के नाम से। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गई हूं अपने रूम में और मेरे कैरेक्टर का नाम है स्वाति और ये है मेरी को एक्टर मृणालिनी। तो ये प्ले कर रही है मेरी सौतन का कैरेक्टर, जो काफी नेगेटिव है और क्रूवल भी है। ये लीजिए, तो आ गई है मेरी गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी, मैं शूट पे पहुंचते ही सबसे पहले लेती हूँ ब्लैक कॉफी। तो ये है आमीना और ये मेरा आज मेकअप करने वाली है। पहली बार कोई मिली है मुझे जो कह रही है मुझे डार्क मेकअप पसंद है। डस्की टोन। अभी दिस इज डस्की। ये मेरे लिए डस्की। दिस इज डस्की यार। एक मिनट। दिस इज डस्की। कौन बोलेगा ये फेयर है? फेयर ये है। ये डस्की है। बताओ कैसे? दिस इज डस्की। देखा? शी इज आल्सो डस्की। नो, शी इज वुडी। हां, लेकिन अब तुम आई हो तो एक्चुअली में तुम डस्की लग रही हो। ये थोड़ी शूटिंग पे पहुंचने के बाद का पहला प्रोसेस मेकअप। सबसे पहले आपकी मुलाकात होती है मेकअप टीम से और उसके बाद अभी थोड़ी देर में आ जाएगी हेयर टीम। तैयार करो मैम को महंगा शॉर्ट देगी वाली बिल्ली। चले जाओ।
हेयर की टीम आ चुकी है, हेयर के साथ साथ मेरे मेकअप के फाइनल टचअप चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 10-15 मिनट में मैं पूरी तरह से रेडी हो जाऊंगी मेकअप विद हेयर। एंड दिस इज द टाइम जब एक्टर अपने सीन रीड करता है, अपने सीन्स देखता है और सोचता है कि किस तरह से मुझे इस सीन को बनाना है, किस तरह का परफॉर्म करना है। बहुत सारी चीज़ें आप जब पढ़ रहे होते हो तो आप विजुअलाइज कर रहे होते हो, आप सोच रहे होते हो कि मेरे को किस तरह से इस सीन को बेस्ट सीन बनाना है। मेकअप और हेयर हो चुका है, चलिए अब आपको मैं सेट दिखाती हूँ। किचन, ये है किचन, कितनी सुंदर बनी हुई है किचन। ये है डाइनिंग एरिया और यहाँ अंदर रूम में मेरा काम चल रहा है। ये बेचारी छोटी बच्ची टुकड़े खा रही है, फते भी माँ के दिए हुए। ये है हमारे डायरेक्टर। सर कैसा लग रहा है मेरे साथ काम करके आप? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है? आप मुझे दोबारा फिर से मौका देंगे काम करने का? बिल्कुल, कोई है क्या ये? डंडा लेके ये देखो, ये ऐसे ही पीट पीट के काम करवाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रही, कौन है ये तो बताओ। मैं ही हूँ, कैमरा है बस। अच्छा कैमरा है। मैंने सोचा है ना एक व्लॉग इस पर बना देती हूँ सेट का पूरा। हाँ, मैंने कभी नहीं बनाया। कभी भी जा रहा था ना, मैंने देखा था कल, मैंने नहीं डाला कल शूट का। हाँ मुझे ऐसा लगा। फिर स्टोरी में स्टोरी डाली होगी। हाँ दोस्तों, ये बन रहा है मेरा रूम का सेटअप, ये है मेरा बैग। तो दोस्तों ये है वो प्यारा सा सेटअप जहाँ पर मेरा सीन शूट होने वाला है। सुबह से ये सेट तैयार हो रहा है लेकिन अभी तक रेडी नहीं हुआ है। दे आर सेइंग कि हो जाएगा, एक घंटे में रेडी हो जाएगा, उसके बाद मेरा सीन शुरू होगा। ये है सेट का लुक। सेट बहुत ही सुंदर था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपना घर भी ऐसा ही चाहिए, इतना ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सेट था। हाँ ये है वो ब्यूटीफुल ड्रेस जो मुझे अपने सीन में पहननी है। सो गाइज, ऐसे चल रही है शूटिंग बाहर। मेरा सीन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जैसे मैंने दिखाया कि मेरा डॉल हाउस में आज सीन है, एक ड्रीम सीक्वेंस है मेरी बेटी के साथ, और वो सेट की तैयारी चल रही है। मुझे पता चला कि सुबह से वो सेट रेडी हो रहा है, डॉल रूम बन रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो जैसे ही मेरा वो कंप्लीट होगा, मेरा रूम कंप्लीट होगा, उसके बाद मेरा सीन स्टार्ट होगा। और मेरे सीन में मैं पहनने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा परी वाला कॉस्ट्यूम। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस ड्रेस को पहनने के लिए। पहनने के बाद आपको दिखाऊंगी, फिर आप बताइएगा कि मेरा ये परी वाला लुक कैसा लगा। ये है वो जगह जहाँ पर पूरी डायरेक्शन टीम और क्रिएटिव टीम बैठी होती है और उधर सामने सीन चल रहा है। ये देखिए सीन बच्चों का चल रहा है और इधर डायरेक्शन टीम बैठ कर सीन को मॉनिटर पे देख रही है। शूटिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। कई सारे टेक होते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शूटिंग देखना इट्स वेरी बोरिंग, या आई कैन अंडरस्टैंड कि बार बार एक सीन को रिपीट होता हुआ देखना कितना बोरिंग होता है। बट बीइंग एन एक्टर मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और रिपीट शॉट तो हमारे लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है, एक ब्लेसिंग है कि डायरेक्टर बोल रहा है एक और बेटर टेक देते हैं तो मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा एक और बार। सो ये एक ना बड़ा सुंदर है बहुत, ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें मेरी ना जान बसती है। दिस इज़ मी टाइम जब मैं शूट कर रही होती हूँ। और ये जो मेरा शूट चल रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ, ये शूट चल रहा है पॉकेट FM का। अगर आप जानते हो इसके बारे में आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं पॉकेट FM की स्टोरीज। जैसे ही मेरा ये एपिसोड टेलीकास्ट के लिए आएगा मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूंगी, आप मेरे लिए ये स्टोरी ज़रूर देखिएगा। इट्स अ फैब स्टोरी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करने में और काफ़ी परफॉर्मर्स हैं इसमें, सारे ही लोग, सारे ही एक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, मजे हुए कलाकार हैं मैं ये कहूँ। डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप भी कहा जाता है क्योंकि एक अच्छा प्रोजेक्ट तभी बनता है जब अच्छा डायरेक्टर हो। की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं, मैं अपने ड्रेस में आ चुकी हूँ जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि मैं ये ड्रेस पहनूँ। मैंने ड्रेस पहन ली, अब जल्दी से जा रही हूँ सेट पे अपना शॉट देने। सीन को शुरू करने से पहले 3-4 बार रिहर्सल्स भी की जाती हैं क्योंकि दोनों एक्टर के बीच की केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। मेरी बच्ची को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना,
मेरे इस सीन का, इस ब्यूटीफुल सीन का ड्यूरेशन होगा कोई 1 मिनट। 1 मिनट के सीन के पीछे आप जानते हैं 10 घंटों की कड़ी मेहनत लगी है। इस रूम को तैयार करने में 10 घंटे लग गए। रात के बजे हैं 11:30। पूरी टीम इंतज़ार कर रही है जल्दी से ये सीन ख़त्म हो और पैकअप हो। सो इसी के साथ हो गया है हमारा सीन ख़त्म। बोलो साईनाथ महाराज की जय। हाँ, तो ऐसा रहा मेरा शूटिंग का डे। पैकअप हो गया है, रात के बजे हैं 12:00 मैं घर वापस आई हूँ। टायर्ड हूँ बहुत ज़्यादा, बट अच्छा रहा दिन। और ख़ास बात ये थी आज के दिन में कि वो जो सेटअप था जिसका इंतज़ार मैंने बहुत किया, वो बहुत ही प्यारा सेटअप था। मज़ा आ गया। अब आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई जगह एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड बाय, टाटा, सी यू सून।